मणिपुर में 19 जुलाई को दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, वीडियो वायरल हो रहा है। अब ऐसी ही एक घटना पश्चिम बंगाल के मालदा में सामने आई है। यहां भीड़ ने दो महिलाओं को पीट कर उन्हें अधनग्न कर दिया है। बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये घटना भी 19 जुलाई की है। इसका वीडियो 22 जुलाई शनिवार को सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाओं का एक समूह दो महिलाओं को घेरे हुए है, उनके बाल खींचकर चप्पलों से पिटाई की जा रही है। इसके बाद उनके बुरी तरह से कपड़े फाड़ दिए गए। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अमित मालवीय के मुताबिक यह घटना मालदा के बामनगोला पुलिस स्टेशन के पाकुआ हाट इलाके में है। दोनों पीड़ित महिलाएं आदिवासी हैं। मालवीय ने आरोप लगाया है, जब उनकी पिटाई हो रही थी और कपड़े फाड़े जा रहे थे तो पुलिस मूक दर्शन बनी खड़ी हुई थी। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अभद्रता का यह मामला पहला नहीं है। पंचायत चुनाव में हिंसा के दौरान भी महिला को निर्वस्त्र कर उसकी परेड निकाली गई थी। शुक्रवार को हुगली जिले में बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी ने बताया कि 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक भाजपा उम्मीदवार के साथ यौन उत्पीड़न किया था। उस घटना का जिक्र करते हुए लोकेट चटर्जी रोने भी लगी। यह घटना हावड़ा जिले के दक्षिण पंचला इलाके में हुई थी। हालांकि इस मसले पर पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार टीएमसी उम्मीदवार हेमंत रॉय ने अन्य लोगों के साथ मिलकर मतदान केंद्र पर महिला के साथ पहले मारपीट की, फिर कुछ लोगों ने साड़ी फाड़ी। महिला का आरोप है कि उसे नग्न होने के लिए मजबूर किया और सरेआम छोड़ दिया गया।